नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र बिलासपुर गांव में बागड़ लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में चार लोग के घायल होने की खबर। आपको बता दें, घटना उस वक्त की है जब फरियादी अपने घर के बगल से बागड़ लगा रहा था। तभी यादव परिवार द्वारा बागड़ दूर से लगाने को कहा गया और कहा सुनी हुई, जिसके बाद बालमुन शर्मा पर पप्पू यादव शिवराज यादव ने घर में घुसकर डंडे से मारपीट की, वहीं जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया, ब्राह्मण समाज और यादव समाज में बागड़ को लेकर विवाद हुआ और पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ था। ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति घायल है, वहीं यादव समाज से तीन लोग घायल हैं। चारों लोग को जिला चिकित्सालय सागर रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ये गाँव, यहाँ पर एक ब्राह्मण समाज में और यादव समाज में एक बागड़ को लगाने पर से विवाद हो गया था। इनका पुरानी रंजिश भी चली आ रही काफ़ी पुराने समय से। इसमें ब्राह्मण समाज से एक घायल हुआ है और यादव समाज से तीन घायल हुए हैं। तीनों को सागर रेफर कर दिया, यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो सागर में इनका मेडिकल हुआ। तो क्या मामला? इनमें मारपीट का अपराध कायम कर लिया है, जाँच की जा रही है। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।